हेलो आयस, यू आर मोस्ट वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल द योग के मिरेकल ऑफ इंग्लिश। डियर गाइस, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है, जो मेहनत करते हैं उनकी नैया पार होती है। तो अगर नैया को पार लगाना है तो मेहनत करना सीखें और अच्छे परिणाम का इंतज़ार करना सीखें। इससे हमें शक्ति मिलती है और जो परिणाम होगा वो हमारे पक्ष में होगा। तो इस सेंटेंस के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सेशन के लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरह से बदलते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। फर्स्ट पार्ट हमने पहले पूरा कर लिया था, पार्ट बी है आज। पिछले वीडियो में हमने जो बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में दी जाए, तो आज हम पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किसी सहायक क्रिया से प्रारंभ हो। सेशन को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है, कृपया पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य दबाएं, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें। इस पुनीत कार्य के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। लेट्स बिगिन टुडे सेशन। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो। इंट्रोगेटिव फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा और इसका पार्ट बी है। तो पिछले वीडियो हमने बता दिया था, सेड को आस्क्ड या इनकार्ड ऑफ या वांटेड इस तरह के शब्दों में बदल देते हैं, या वांट टू नो, वांटेड टू नो। तो आस्क में बदलना उचित माना जाता है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो आपकी। वैसे आपकी इच्छा कोई दिक्कत नहीं, दोनों में मान्य है, इनकार्ड ऑफ या आस्क में बदल सकते हैं। सेड टू को भी आस्क्ड या इनकार्ड ऑफ में या वांटेड इत्यादि में बदल सकते हैं। और कॉमा तथा नॉट कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में अर्थात असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। अंत में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह और इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। रीता सेड टू हर मदर कॉमा टू कॉमा बिगिन डू यू नॉट गिव मी 50 रुपीज देखिए ध्यान दीजिए, रीता सेड टू हर मदर डू यू नॉट गिव मी 50 रुपीज। सहायक क्रिया किस में दी है हमारी? सेड टू पास्ट टेंस में दी है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब किस में दी है? पास्ट टेंस में दी है। अब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? सहायक क्रिया से, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। हमारा सेशन चल रहा है, कौन से टेंस में है? डू यू नो, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका यूज किया गया है। तो देखिए किस तरह से हम इनडायरेक्ट बदलेंगे इसमें। सेट टू किस में बदल देंगे बताइए? सेट टू बदलेंगे आस्क्ड में, आस्क्ड। ओके, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका हर मदर, कॉमा टू कॉमा हटा क्या लगाएंगे? इफ का यूज करेंगे। ओके, अब देखिए हमने बताया था कि रिपोर्टेड, अब यहां से विशेष समझना है, रिपोर्टेड
स्पीच के सेंटेंस को सब्जेक्ट टू वर्ब के रूप में लिखते हैं, अर्थात असर्टिव फॉर्म में लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट कौन सा बदला जाता है, अर्थात रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा बदला जाता है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है हर मदर, तो यू को हर मदर के अनुसार बदलेंगे, क्योंकि यू प्रोनाउन है, हर मदर नाउन है, तो हर मदर का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और सब्जेक्टिव केस में, तो सब्जेक्टिव केस में सी का यूज हम करेंगे, ले देंगे सी। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वाक्य बदलते हैं, वही असर्टिव वाले रूल्स हैं जो पहले बताया था आपके लिए, कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी जाए तो टेंस को निम्न वक्त बदलते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस को पास्ट में बदल देते हैं, अर्थात संपूर्ण प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट कुछ बदल लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू की जगह पर डिड हो जाएगा। फिर नॉट, गिव, अब देखिए मी फिर आपका प्रोनाउन हो गया, फर्स्ट पर्सन है, किसको इंडिकेट कर रहा है, सब्जेक्ट को, तो मी रीता के अनुसार बदला जाएगा, रीता, तो उसका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, रीता का, रीता का प्रोनाउन होगा सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर, तो गिव हर 50 रुपीज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा को क्वेश्चन मार्क को हटा क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, ये इस तरह का सेंटेंस अक्सर परीक्षा में पूछा गया है, सी सेड टू हिम डू आई प्ले हॉकी टूडे। ध्यान दीजिए बेटा, सी सेड टू हिम डू आई प्ले हॉकी टूडे, तो सेम प्रक्रिया अपनाएंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए, सी आस्क्ड, चलिए इस बार दूसरा शब्द लगाते हैं, इनकार्ड ऑफ लगा के दिखाते हैं आपके लिए, ई एन क्यू यू आई आर ई डी, इनकार्ड, जब ऑब्जेक्ट दिया होता है तो ऑफ का यूज करते हैं, इनकार्ड के साथ ऑफ क्रिया का यूज किया जाता है, इसका ध्यान रखना है, इनकार्ड ऑफ लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम खाली इनक्वायर्ड लगा देते, इनक्वायर्ड के साथ क्या लगाते हैं, ऑफ प्रिपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ऑफ हिम, कॉमा कॉमा हटा क्या लगाएंगे, इफ, अब सब्जेक्ट टू वर्ब, तो सब्जेक्ट आई है यहाँ पर, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, अब देखिए यहाँ विशेष बात है, यहाँ देखना है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, कौन से बदलना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है। अब इसमें यह ध्यान रखना है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट स्टेप दिया है, लेकिन इसमें जो है निगेटिव नहीं है, ये असर्टिव अफर्मेटिव फॉर्म में है, तो असर्टिव जब बनाएंगे तो अफर्मेटिव फॉर्म में हम बनाएंगे, अफर्मेटिव में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, बच्चे भूल से क्या कर देते हैं, सी अब डू का डिड कर देंगे, डिड प्ले कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, डिड प्ले नहीं करना है, हमें अफर्मेटिव फॉर्म में बनाना है, क्योंकि असर्टिव मूड बनाएंगे, अब इसमें नॉट है नहीं, असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, तो अफर्मेटिव मूड में बनाना है हमें, ये असर्टिव का अफर्मेटिव फॉर्म ये लेना है, इसलिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो बन जाएगा सी प्लेड, इस तरह का सेंटेंस अक्सर परीक्षा में दिया होता है, क्योंकि इसमें भूल बस स्टूडेंट क्या करता है, गलत कर देता है, टू डे किस में बदल देंगे, दैट डे में, निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, और एंड में फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। दोबारा देख लीजिए, सी सेट टू बदल दिया हमने इनकार्ड में, ऑब्जेक्ट होगा तो इनकार्ड के बाद ऑफ का प्रयोग करेंगे, फिर सुन लीजिए, जब इनक्वायर का प्रयोग करेंगे, इनक्वायर या इनकार्ड ऑफ का प्रयोग करेंगे आप, सॉरी इनक्वायर या इनकार्ड का प्रयोग करेंगे और
रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट दिया जाए तो उससे पहले प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग अवश्य करेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इन्हें कार्ड ही रहने देंगे। ओके, कोमा कन्वर्ट कोमा के स्थान पर क्या लगा दिया, इफ का प्रयोग करेंगे, वेदर भी लगा सकते हैं आप। फिर सब्जेक्ट टू वर्ब रखेंगे, पहले सहायक क्रिया है, यहाँ सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट पहले लाना है क्योंकि असर्टिव फॉर्म में बनाते हैं इनडायरेक्ट समय। तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो सी हो गया। अब ये ध्यान देना है क्योंकि इंटरोगेटिव है, डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना होता है हमें। अब असर्टिव बनाया है, असर्टिव का नेगेटिव और अफर्मेटिव दो पार्ट होते हैं क्योंकि ये इसमें नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव मूड में ही बनना है। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, हम डिड का प्रयोग नहीं करते हैं जनरल सेंस में। तो सी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, प्लेड डू को हटा देंगे, डिड नहीं करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, डिड को नहीं यूज करना। हॉकी और टूडे का हो जाएगा डेड, क्योंकि बच्चा यहीं गलती करता है, डिड प्लेड कर, डिड भी लगा देगा प्लेड भी लगा देगा या फिर डिड प्ले कर देगा, तो वहीं पर सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। तो ये समझ में आपके आ गया होगा पूरा, एक एक चीज क्लियर कर लीजिए, कोई भी हमारी वीकनेस नहीं रहनी चाहिए। जब हम परीक्षा में अपीयर होते हैं तो छोटी सी वीकनेस हमें पीछे ले जाती है और हम सिलेक्शन से वंचित हो जाते हैं, या एकेडमिक एग्जाम में भी हम अच्छे अंक नहीं पा पाते क्योंकि हम छोटी चीज़ों को गौर नहीं देते हैं। और छोटी चीज़ ही हमेशा बड़े का रूप धारण, विकराल रूप धारण, छोटी चीज़ एक चिंगारी ही पर्याप्त होती है। आगे देखिए, अभी बस नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तीसरा। इतने एग्जाम्पल्स करेंगे आप उतना आपका दिमाग फ्रेश होगा और उतना ही आपकी क्वालिटी बढ़िया होगी। ये आपको करना है, इस तरह का थोड़ा बना रहा हूँ एग्जाम्पल में। ही सेड, बिल आई, चलिए सेल आई कर देता हूँ, सेल आई नॉट eat my food tomorrow. ध्यान दीजिए, he said shall I not eat my food tomorrow. इसको आपको बदलना है, तो हमने बताया था चाहे ऑब्जेक्ट दिया था said to हो चाहे said हो, आस्क्ड में या इनकार्ड में हम आसानी से बदल देंगे। इसमें यह नहीं देखना है कि ऑब्जेक्ट दिया है या नहीं दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो कर देंगे ही आस्क्ड, चाहे इनकार्ड लगा दो। ओके, आस्क लगा सकते हैं चाहे इनकार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, इनकार्ड के साथ भी यहाँ ऑफ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। कोमा डॉट कोमा के स्थान पर लगा देंगे, इफ का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट टू वर्ब अर्थात सब्जेक्ट आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदला जाएगा, ही के अनुसार, अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब रिपोर्टिंग सब्जेक्ट आई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ही बन जाएगा। कौन से टेंस का वाक्य है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। फ्यूचर में सेल का शुड और बिल का बुड कर देते हैं, आई के साथ सेल आता है और ही के साथ बुड आता है, तो ही के साथ क्या कर देंगे हम, बिल के सेंस में बुड लगाएंगे, शुड नहीं करेंगे, है ये ध्यान रखेंगे, बताएंगे शुड कहाँ करेंगे ये भी बताएंगे आपके लिए। ही बुड नॉट ईट, अब माई का क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन ये भी सब्जेक्ट के अनुसार, तो पजेसिव केस हो जाएगा इसका हिज,
फूड, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे या कमिंग डे। ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कभी कभी चाहे हमारा सब्जेक्ट कोई सा भी आकर के बने, जैसे ये एग्जाम्पल है सी सैड टू हर टीचर कॉमा कॉमा सेल आई गो टू ड्रिंक वाटर। अब थोड़ा सा इस सेंटेंस को गौर से देखिए। सी सेड टू हर टीचर सेल आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसने अपने अध्यापक से कहा, क्या मैं पानी पीने के लिए जाऊं? तो जब सेल से रिक्वेस्ट का बोध हो, प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसी स्थिति में कोई सा भी आपका सब्जेक्ट बन सकता है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। जब इंडेक्ट बनाएंगे तो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, तो उसका सब्जेक्ट कैसा भी हो, सेल को सुड में ही रहने देंगे जब रिक्वेस्ट का बोध हो। तो इससे किसका भाव प्रकट हो रहा है? रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, सेल किसका भाव प्रकट कर रहा है? रिक्वेस्ट का भाव, क्योंकि उसने टीचर से पूछा कि मैं पानी पीने जाऊं, ऐसे बोल देते हैं, तो उसका रिक्वेस्ट का भाव, अगर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा है सेल के यूज से, तो हम क्या करेंगे, सेल को सुड में बदलेंगे, वुड में नहीं बदलेंगे। जनरल सेंस में हम वुड में बदलें तो ज़्यादा बेटर होता है। ओके, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस। सी आस्क्ड हर टीचर, कभी कभी इस तरह परीक्षा पूछ लेता है, और या मिस्टेक बच्चा वुड कर देगा, क्योंकि अकॉर्डिंग देखिए इसमें मिस्टेक आती है, गलती होती है बच्चे पर, तो यहाँ इफ का यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा आई है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा बदला जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोनाउन, यहाँ सी हो जाएगा। ओके, आप देखिए वुड भी दिया हो और शुड भी दिया हो परीक्षा में, ऐसा भी हो सकता है वुड और शुड, एक वुड का सेंटेंस दे देगा, एक शुड का सेंटेंस दे देगा, तो ज़्यादातर स्टूडेंट कहेगा भाई सी आ गया, तो सी के साथ तो वुड उचित होगा। लेकिन सेंटेंस का अर्थ देखना है हमें भाई, सेंटेंस के अर्थ से ये पहचान हो रही है कि रिक्वेस्ट का भाव हो रहा है, प्रार्थना का भाव प्रकट, प्रार्थना का भाव प्रकट हो तो सेल को सुड में बदले, न कि बुड में। किस में बदलना है? सुड में। सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो सकता है, सी है, सी के संग वैसे हम बुड लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, रिक्वेस्ट का भाव प्रकट हो रहा तो हमें क्या लगाना बेटा, सुड लगाना, ये ध्यान रखना है, गलत नहीं करना बिल्कुल। आप कहेंगे कि साहब अरे तो यहाँ बुड़ाना चाहिए था गो टू, क्योंकि इससे प्रार्थना का बोध हो रहा, जब प्रार्थना का बोध हो सेल से, सेल का यूज हो, तो उसकी जगह हम शुड का प्रयोग करेंगे, बुड में नहीं बदलेंगे। तो ये उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। इंट्रोवर्टिव फर्स्ट टाइप पूरी तरह से, इंट्रोवर्टिव सेकंड टाइप के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर।